तो नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर हमारे एक दोस्त मौजूद हैं और अब इनसे एक बहुत आसान सा सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक बहुत आसान सा सवाल है, वो कौन सी बुरी आदत है जो आपकी लड़कियों में बहुत बुरी लगती है और अगर आपके बस में हो ना तो अब उसको खत्म। फराज यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक बहुत आसान सा सवाल है आपसे कि वो कौन सी सबसे बुरी आदत है जो आपको लड़कों में नजर आती है और अगर आपके बस में हो ना तो आप उसको जड़ से निकाल के खत्म कर दें, कर दो। ये जो पेट में बात नहीं रहती ना लड़कियों की, ये बहुत बुरी आदत है इनकी। तो तुम्हें कैसे पता चला पेट में बात नहीं रहती? राज रुकता ही नहीं है कहीं पे, इधर बताओ वो आधी यूनिवर्सिटी में बात पहुंची भी होती है। अनकाउंटेबल है। स्मोकिंग जो करते रहते हैं और घर जाते ही फेसबुक पे इनकी रिक्वेस्ट आ जाती है और वेविंग आ जाती है, हाय 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 रिप्लाई ना दे फिर भी बार बार मैसेजेस आते हैं। ये वो बाहर की औरतों को समझते हैं वो उनके बाप की जागीर है, जबकि उनके बाप की जागीर में कहीं भी नहीं लिखा होता। अगर वो चाहते हैं कि वो मतलब वो जाके अपने बाप की वो जो होती ना क्या बोलते हैं उसको, जायदाद की पोटली वो खोल के देख सकते हैं कि उनके बाप की जायदाद में ये लिखा है कि हर बाहर की लड़की उनके बाप की जागीर है। अगर है तो फिर आप हर लड़की पे लाइन मारें और हर लड़की को अपने बाप की जागीर। लड़कियों में बुरी आदत यार एक्सपीरियंस मुझे नहीं होगा, लोगों को होगा कि वो लाइन मारने के बाद क्या होता है। आदतें अगर आप बुरी बोलें तो बेशुमार है, ठीक है, कोई एक तो है नहीं। और जो सबसे बुरी अगर आप मुझसे यूनिवर्सिटी की माशाल्लाह से बात करें, हमारे लड़कों की आपको 5 मिनट भी होंगे बात करे हुए, आप यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलेंगे आप घर नहीं पहुंचेंगे, आपके पास फेसबुक पे रिक्वेस्ट ज़रूर पहुंची होगी उनकी। तो इसका मतलब ये हुआ तो आपने मेरे ख्याल से तकरीबन सेंचुरी तो मुकम्मल कर ली है फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस कभी गुरूर नहीं किया। और उसमें से आपने एक्सेप्ट कितनी करी है? एक्सेप्ट एक डीप डीप कह रहे, उनको अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। उनको अपने ना पता, उनको पता होना चाहिए कि हमें अब क्या करना है क्या नहीं करना है और किसी तरीके से बात करनी है। अपनी लिमिट्स में रखना चाहिए अपने आप को, लेकिन वो लिमिट्स ज़्यादा क्रॉस भी कर लेते हैं। चोरा बन करते हैं। उस भाई ने बोला एटीट्यूड, तो मैं भी मेरा जवाब भी सेम होगा कि एटीट्यूड, लड़कियों में एटीट्यूड एक्चुअली बहुत होता है। मुझे ख़त्म करनी है कि अगर हम लड़कियों से कभी डील करते हैं, पहले तो बात करते हैं इक्वलिटी की कि हम भी इक्वल हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं, हम भी लड़कों के बराबर हैं, हम भी वो काम करेंगे जो लड़के करते हैं। तो हम जब उन्हें बराबर मान के अपने दूसरे दोस्तों की तरह लड़कों की तरह डील करते हैं तो कहते हैं आपको तमीज़ नहीं है लड़की से बात ऐसे करते, तो मतलब हम खुद कन्फ्यूज़ हैं कि उनसे इक्वलिटी रखें या फिर उनको स्पेशल बिहेवियर दें। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ ख़त्म हो, या तो फिर इक्वलिटी भी आ जाए या तो फिर स्पेशल बिहेवियर चाहिए, तो उस पर बात करें। मुझे एक अदर मीन्स वो घूरते बहुत ही ज़्यादा इस टाइप पे नहीं, एक स्टडी में भी डीप होती है या किसी रिलेशनशिप में भी डीप होती है या किसी भी फील्ड में भी आप, या किसी की बुराई है ना तो लड़कियाँ ज़्यादातर बुराई में तो डीप चली जाती हैं, बिल्कुल डीप हो जाती हैं, बिल्कुल पर्सनल हो जाती हैं। मुझे क्या पता एटीट्यूड ही होता है इनके अंदर ज़्यादा। अदले 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 और पादरी मुझे यार पेट में बात नहीं टिकती। पेट में बात नहीं टिकती क्यों? तुम्हें किसी लड़की के हसद लड़के होते हैं, मतलब कोई कोई किसी किसी में की आदत होती है, पर मैं उनकी बात करूंगी जिनमें अच्छा, एक बात, लड़के एक होते हैं बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अच्छा, बहुत सारे होते हैं, पर मेरा मतलब ये है कि आदत किसी किसी में होती है, मैं सबको नहीं करूंगी डिफाइन, पर कुछ की बात करूंगी। कभी कभी इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि हमारे दिल करते कत्ल कर दें उनका। वो ताड़ने की आदत होती है जो लड़के घूर घूर के देख रहे होते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी बात पर आता है, घूरना उनका। एग्जैक्टली आई एम ऑन द सेम वे कि वो जो घूरते हैं और उनकी जो इरिटेशन होती हैं जो इरिटेट करते हैं हमें, खासतौर पर गर्ल्स को। कुछ ना अगर मेरे बस में कुछ, मैं तो कुछ तो कर ही दूँ। अच्छा, मतलब आगों से घूरते हैं तो आप भी आदत ख़त्म करना चाहेंगी? आदत ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि हम फ्रीली मूव कर सकें, हम अपने हर स्टेप जो है वो फ्रीली ले सकें। वो ओवर हो जाते हैं एक चीज़ में, हाँ बस समझ देते हैं कि हम अपने फ्रेंडशिप कर। अच्छा, क्या मतलब क्या कुछ कर दूँ ऐसा, क्या कर देंगे? मैं फोड़ दूँगी, कुछ ना कुछ उठा के मार। मतलब क्या उठा के मारेंगे? अच्छा, अगर पत्थर होगा पत्थर मार देंगे। हाँ भले पत्थर मार। और अगर आपके हाथ में आपका मोबाइल हो फिर? नहीं, मोबाइल से मोबाइल नहीं मारेंगे। क्यों, मोबाइल क्यों नहीं मारेंगे? मोबाइल से जान लगती है, मोबाइल की दोस्ती नहीं होती। अच्छा, आप मतलब एक काम की चीज़ के लिए जाओ तो वो बहुत ओवर हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हमने फ्रेंडशिप कर ली। अच्छा, तो ये आपका ओपिनियन है? बहुत जी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।